ज्ञान केशव इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवंदति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सज्जोर से बोलो बोलो हरे नित्यानंद अभिर्न कलेवर नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाल अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करना। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाल अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना। उपस्थित वैष्णव पादगत वैष्णव वैष्णवी सभी को भी यथादेव प्रणाम करना। हरे कृष्ण हम एक बंगला बोलो ठीक है। हरे कृष्ण बंगला बोलो हरे कृष्ण। आज के खूबी भालक ही आज कहल भगवान रास लीला आज कहल भगवान रास लीला से एक उपलक्ष्य करे हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज दिनी अप्रकट लीला दिनी अंतर ध्यान लीला दिनी प्रकाश कर गुरुपाद पद्म दिनी बोलते गुरुपाद पद्म कहते थे आज का दिन ही उन्होंने ये शरीर को क्यों छोड़े आज के दिन तरीके केना तिनी शरीर छेड़े थे मानो तिनी के तिनी होले राधा गोविंद तिनी विनोद गंजे गुरुपाद पद्म बोलते थे ये कौन है कैसे राधा कृष्ण की ये विनोद गंजे जब राधा गोविंद जब रासलीला कर रहे थे मानो उसमें सब सखी और सब मंजरिया तभी लेकिन केवल एक व्यक्ति का उसमें अभाव था सेखान तो सभा छिलो किंतु केवल एक जन व्यक्ति सेखान अभाव छिलो बोले के अभाव छिलो बोले तिनि विनोद मंजरि सेखान अभाव छिलो एकने जखन तिनि अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करे राधा रानी की गला थेके ठीक संध्या समय रास्ते प्रारंभ होते राधा रानी की गला थेके नीचे थेके की माला है चीड़े संघर्ष में पड़ी गई संघर्ष में पड़ी गई थी संघर्ष व्यक्ति सेवक के जब खबर मिलो राधा रानी की गला थे कि माला चीड़े पड़ी गई थी तिनि ठीक से समय तिनि अंतर ध्यान लीला प्रकाश किया जिस समय राधा रानी की गले से एक माला अपने आप टूट कर गिरा ठीक उसी समय में ही श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अंतर ध्यान लीला को प्रकाश करते मानो गुरुदेव कहते थे रासों में तो सब मुखिया सब सखिया थी लेकिन उसमें केवल एक व्यक्ति का अभाव था थी विनोद मंजरी इसलिए रासलीला से पहले से ही एक रासलीला प्रारंभ में मानव उन्होंने अपना विनोद मंजरी को उन्होंने भुला दिया माने तिनी रासलीला प्रारंभ से तिनी से विनोद मंजरी के तिनी देखे थे लेकिन केवल उधर अभाव थी कत श्री प्रभुपाद की जितने घर हैं यदि ये कोई साधारण नहीं है जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में इसी जगत में जब आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सब पार्षद सियो धाम सहब करी जरकम श्रीमान महाप्रभु एक जगत जखन एले तिनी एकास नहीं संपूर्ण धाम एवं परिवार देखे ये दुनी ऐसे छे ठीक सेरकम भावे जखन श्रील प्रभुपाद एक जगत एले
जखन प्रभुपाद दिनी नयन मणिमय जयतिनी सही राधा गोविंद लीलाते सही निकुंज लीलाते जखन दिनी संलिप्त छिले तखन राधा रानी दिनी ताके आदेश दिछे बोले बिना नयन मणिमय जयतिनी देखो कि जगत के दुर्दशा का देखो इवाद की कृष्ण विमुख हुए तर संसार तत्व दुख कष्ट पाछे अदर तुम्ही जाओ तुम्ही किए की करो कृष्ण भक्ति के महाप्रभु भक्ति के प्रचार करो एवं प्रचार करे की करे तुम्ही ए भगवत धाम में आ सते तुम्ही एका जावे ना तुम्ही निज परितर दे राधा रानी स्वयं बता रही है नयन मणि मंदिरी तुम अकेले मत जाओ तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ इसलिए जब श्रील प्रभुपाद इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आए वो पूरा अपना परिकरों को ले करके श्रील प्रभुपाद इसी जगत में पूरा परिकरों को ले करके आए जैसे महाप्रभु का जो भविष्य वाणी आते पृथ्वी से आते जाते नगर आदि का सर्व कर प्रचार नहीं करना ये महाप्रभु का भविष्य वाणी पृथ्वी में एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व के सारे जीव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भक्तिविनोद ठाकुर और भविष्यवाणी आते एक दिन एरकम हमें कालो आज साता दूजन लोक पिले एक संगे निताई गौर प्रेमानंद से हरि हरि को यदि भक्तिविनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे ये दोनों मिल करके एक साथ में बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय यदि उनकी भविष्यवाणी है यद्यपि महाप्रभु का भविष्यवाणी को महाप्रभु ने जिन जीवियों को द्वारा जितने करवाना था करवाया लेकिन अगर पूर्ण रूप में श्री भक्ति प्रज्ञा के गुरु गोस्वामी महाराज वो प्रभुपाद के लिए तो बहुत बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद के लिए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं बोले अभी तक दुनिया में जितने आचार्य आए उनकी अवदान वैशिष्ट को एक तराज लो तराज लेकर के उनकी अवदान उनकी भजन वैशिष्ट को अगर तराज का एक तरफ में रखो तराजू के दूसरे तरफ से श्री प्रभुपाद की महिमा उनकी भजन उनकी अवदान को अगर तोलोगे तराजू में क्या देखने को मिलेगा जैसे श्री प्रभुपाद का जो अवदान उसका बला भारी पड़ेगा उनका बला भारी पड़ेगा भक्ति प्रख्यात केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए कितने बड़ी बात कहते थे इसलिए जब इसी जगत में श्री प्रभुपाद आते हैं पूरा अपना परिकरों को लेकर के आते हैं और ला करके संपूर्ण विश्व में अगर महाप्रभु का वाणी को संपूर्ण विश्व में अगर कोई प्रचार प्रसार किया तो किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और इसको लेकर के यदि ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये नयन मंत्री हाँ कभी श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भक्ति हृदय करते गोस्वामी महाराज मेरे गुरुपाद भक्ति माधव इन छोटे छोटे बच्चों को ले करके उन्होंने संपूर्ण विश्व में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को मैंने प्रचार प्रसार किया है इसलिए जब श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के पास में आए जब मैंने श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज से भी प्रभुपाद का से चले तब प्रभुपाद जिज्ञासा करते विनोद साधारण व्यक्ति देखे তখন তিনি প্রভুপাদ সেবা করেছেনি তখন তিনি সেখানে এসেছে এখানে আমাদের ভক্তি প্রজ্ঞা কেশব গোস্বামী মহারাজ যেসে মহাপ্রভু এক এক ভক্ত দ্বারা উনি এক এক ইচ্ছা পূর্ণ করে দিয়া
जैसे रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने रस को स्थापित किया, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापित किया, श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को स्थापित किया, हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने नाम आचार्य उन्होंने नाम तत्व को स्थापित किया, उसी तरह श्रील प्रभुपाद की वो एक एक शिष्य को द्वारा वो एक एक अलग अलग उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, इसी को द्वारा उन्हें बहुत बड़ा मंदिर भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज यहाँ जाते थे वो सात दिन में एक मंदिर खड़े कर देते थे, सात दिन में एक मंदिर खड़े कर देते थे। भक्ति सारा गोस्वामी महाराज ये गौरी बढ़ता जो वैभव की मैंने बढ़ाया मैंने भक्ति हृदय भक्ति गोस्वामी महाराज जब कहीं हरी कथा सुनाते थे लेक्चर देते थे बंगला भाषा को लगता था बंगाली, हिंदी बोलते तो लगता है हिंदी भाषी, अंग्रेजी बोलते तो लगता था किसका अंग्रेजी, ये प्योर अंग्रेजी। इसलिए प्रभुपाद उसी तरह से भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज के द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ काम किया, ये महापुरुष को द्वारा उन्होंने बहुत बहुत काम किया। एक तो गुरु भक्ति का निष्ठा इन्होंने दिखाया, ये गुरु भक्ति की उन्होंने निष्ठा दिखाया, इसलिए सवेरे हम लोग ने श्रवण किया था ये महापुरुष कैसे प्रभुपाद के लिए जिस समय प्रभुपाद के लिए आ गए थे उन्होंने एक तरफ में मायावाद को खंडन कर रहे थे, दूसरे तरफ में सहजिया खंडन कर रहे थे, तीसरे तरफ में उन्होंने अवतारवाद को खंडन कर रहे थे, चौथा तरफ में ये चार गोसाएं, ये चार तरफ में प्रभुपाद ये जितने सारे अपर संप्रदाय को प्रभुपाद खंडन कर रहे थे। उसी समय में ये मायावादी स्मार्ट जात गोसाई अवतार बाद एक सबके सब प्रभुपाद ऊपर भी इतने बिगड़ गए ये लगता ही सर हमारा बिजनेस खत्म कर देगा, इसलिए प्रभुपाद को मारने के लिए कोशिश किया, प्रभुपाद को चांद पे मारने के लिए। आप लोग ने सब सुना है यदि महापुरुष ने अपना वस्त्र दे कर उसका वस्त्र दे दिया, इसलिए गुरुदेव जैसे भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज मानो उसी समय प्रभुपाद ने भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज को कन्या दिया। कोई शिष्य का इतना हिम्मत होगा जे गुरुदेव आप जब सन्यास मेरे को दे दो और मेरे जो सफेद कपड़ा को आप पहन लो, ये कोई कर सकता है कोई व्यक्ति? गुरुदेव बोलते थे मानो उसी समय प्रभुपाद ने ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज को अपना ड्रेस उन्होंने ले लिया, बोले लो ये सन्यास ड्रेस तुम ले लो, मानो उसी समय उन्होंने उनको सन्यास की प्रदान किया था। और उन्होंने क्या बोला था, एक दिन तुम प्रभुपाद जैसे सारा दुनिया में ये भगवत भक्ति को प्रचार किया, ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी उसी तरह सारा दुनिया में भक्ति को प्रचार किया। इसलिए भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज यदि इन्होंने जैसे पूरे गुरुदेव तक से पूरे से ने क्या किया है, इन्होंने जाकर के पूरे से ने जैसे अपना गुरु सेवा के लिए पूरे से ने अपना आंख और मुंह निकाल दिया, लेकिन आंख निकाल दी गई थी पूरे से जैसे भी रामानंद की सेवा की उसी तरह से भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज उसी तरह उन्होंने प्रभुपाद की उन्होंने संपूर्ण आत्मसमर्पण किया। इसलिए यहाँ प्रश्न है भैया हमारे प्रभुपाद तो साधारण नहीं, ये तो नहीं ना मैंने मैसेज ये तो साधारण तो नहीं है, तो इनको कोई सहज किया है, इनको कोई जात गोसाई किया, इनको मान सकते कोई क्या, इनको कोई मान सकते नहीं क्या, संभव है कि इनको मानना प्रभुपाद को मानना संभव नहीं। लेकिन ये प्रभुपाद यहाँ दिखाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे, देखो उसी समय हरिमाधव महाराज कह रहे थे उसी समय कुछ लोगों को मन में कुछ भ्रम धारणा हो गया, क्या है ये प्रॉपर्टी को ये महापुरुष रक्षा करने के लिए घोड़े के ऊपर बैठ करके और शांति पूरी धोती बढ़िया अपने कपड़े पहन कर कभी टाई कभी सूट वूट पहन करके, क्योंकि ये प्रभुपाद की प्रॉपर्टी को रक्षा करने के लिए उन्होंने कभी तिलक नहीं लगाया करते थे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को रक्षा करने के लिए। कुछ भक्तों ने बताया कि विनोद बिहारी ये तो कोई हरिनाम नहीं करता तिलक नहीं लगाता सूट वूट पहन, ये कोई भक्ति का थोड़ी नहीं आप गए, ये प्रभुपाद का क्या सेवा कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद उसको दिखा दिया, देखो गुरु सेवा की आदर्श को दिखाने के लिए उन्होंने दिखा दिया, देखो जिस समय मेरे पर विपत्ति आई ये विपत्ति को किसने मेरे को उबारा, किसने रक्षा किया है, ये गुरु सेवा को किसने किया है, क्या उसको भक्ति पर क्या मतलब केशव गोस्वामी महाराज ने अपना जीवन को दाव पर उन्होंने लगाया, दाव पर लगा करके उन्होंने गुरुपाद पद्मपुत्र उन्होंने सेवा की गुरुपाद पद्मपुत्र उन्होंने सेवा की उन्होंने, ये
ये चीज को मानव प्रभुपाद दिखाने के लिए उन्होंने ये मिलाप को मैंने आविष्कार किया था। इसलिए इंद्रियांतर में जो गुरु निष्ठा है इंद्रियांतर में हैं, जो एक समय ये जवान तो गौरी भट्ट के कुछ भक्तों को बैठे हुए थे, उनका शिष्य लोग बैठे हुए थे, भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी बैठे हुए थे। कुछ लोग आकर के बोले, बोले महाराज जी आज इतना बड़ा खाली ये बगीचा पड़ा हुआ, अब इसमें कुछ आप इसमें कुछ फूल का पौधा क्यों नहीं लगा देते हो? तो भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज बोले मेरे तो फूल बैठे जगत का फूल का सौरभ इसका सुगंध थी, इसकी सुंदरता कितना दूर तक जाएगी? दो दिन बाद भी मुरझा जाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन इन लोगों का जो खुशबू, इसकी जो सौरभ, इसका जो माधुर्य केवल भारत नहीं एक संपूर्ण विश्व में इसकी सुगंध भी फैलाएगा। और उसमें हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी वहीं पर वहीं पर थे। मानव उन्होंने अब हर शिष्य की महिमा को गुरुदेव जानते हैं। मानव भक्ति प्रज्ञा ने केशव गोस्वामी महाराज ये बताना चाहते थे, यहाँ पर जो भक्त बैठे थे, शिष्य बैठे थे और उसमें से नारायण महाराज बैठे थे, सचमुच से इनको जो फूल फूल का जो रूप दे रहा हूँ, इनको जो मैं भक्ति की शिक्षा दे रहा हूँ, सचमुच से ये महापुरुष ऐसे प्रचार करेगा संपूर्ण विश्व के कोने कोने से। जैसे यहाँ पर कम से कम कोई चाइना, कोई जापान, कोई लंदन, कोई फ्रांस, कोई अमेरिका, कोई जर्मनी, कोई ब्राजील, कोई रशिया से जैसे यहाँ पर सारे भक्त लोग आए, बोले किसकी खुशबू से? बोले हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज रूपी ऐसे एक पुष्प प्रस्फुटित हुआ जिसकी सौगंध को लेने के लिए संपूर्ण विश्व के कोने कोने के लोग आकर के ये वृंदावन धाम में भजन कर रहे हैं। प्रश्न भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए कहते हैं भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज इनके अंदर में एक विशेष वैशिष्टता है। बोले क्या है इनके अंदर में? अब ये भक्त लोग बैठे सुना रहे थे, इनका नाम किया, ये बड़े फिलोसफिकल थे। गुरुदेव कहते थे इनको पास में बड़े बड़े बकीली लोग भी इनको पास में बराबर करने के लिए आते, बड़े तीव्र बुद्धि के थे, बड़े तीव्र बुद्धि के थे इनके अंदर में विशेष तो बड़े फिलोसफर थे। और तर्क जब जब कोई श्लोक बोलते थे पूरा श्लोक महाराज नहीं बोलते थे, हमारे बाबा गोस्वामी महाराज को सब शुरू करते ही बाबा महाराज सब बोलना शुरू कर देते थे, लेकिन महाराज के श्लोक का पहला अक्षर बोल करके फिर उनका व्याख्या करना शुरू कर देते थे। लेकिन केवल उन्होंने केवल श्लोक को टच करके सारे व्याख्या करना शुरू कर देते थे। इसलिए इनका नाम क्या है? बोले भक्ति प्रज्ञा। बोले एना नाम की, बोले एना नाम बोलो भक्ति प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या है? केवल ज्ञान नहीं, भागवत बोलते ज्ञानों में परम गुह्यम चत विज्ञान संबंधित सह रहस्य तदगत गृहणाम गवितमया। ये प्रज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान सत चित आनंद, अगर सत चित आनंद से सत को निकाल दो और आनंद अगर निकाल दो, अगर बीच में केवल ज्ञान रह जाएगा तो वो निराकार निर्विशेष भगवान निराकार निर्विशेष स्वरूप है। लेकिन जब तक ये सात चीज आनंद नहीं मिलेगा कृष्ण रस स्वरूप नहीं हो सकते हैं, रस स्वरूप नहीं होते बैठना अच्छा तो बोले कि ज्ञान का है जिन्हें बोलते प्रज्ञा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती हम कहते हैं प्रज्ञान मतलब क्या है? पूर्ण रूप में तब भी ज्ञान है, उस श्लोक में व्याख्या करते हैं जब कृष्ण प्रसाद में से राधा रानी को, केवल राधा रानी नहीं जब उनको साथ में सखी और मंजरी हो तभी संपूर्ण रूप में प्रज्ञान है, नहीं तो प्रज्ञान नहीं है। इसलिए इनका नाम ही बड़े कठिन नाम भक्ति प्रज्ञा। और इनका देखो अभी प्रभु जी बता रहे थे इनकी जो विशेषत्व है, सब इतने सारे सन्यासी का नाम सब वेदांत 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 नाम रखा है, भक्ति वेदांत तीरथ महाराज, भक्ति वेदांत माधव महाराज, भक्ति वेदांत श्री वर महाराज, भक्ति वेदांत सिद्धांत, सब ने वेदांत 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 नाम रखे। इसलिए साधारण लोग इस चीज को सुन करके और उन्होंने जो उन्होंने मठ का नाम रखा गौरी वेदांत समिति नाम रखा,
इसलिए कोई लोग इस चीज को देख करके बोले सब क्या वेदांत वेदांत अक्सर करके लोगों का धारणा ये वेदांत ग्रंथ कौन पढ़ता है कभी मायावादियों का ग्रंथ है तो वेदांत ग्रंथ नहीं लेकिन भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज बोले नहीं ये मायावादियों का ग्रंथ नहीं ये वेदांत है श्री व्यास देव का ये वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत वेद का सार बोले वेद का सार क्या है जिसको भागवत में बताए निगम कल्प तरू गलित फलम सुख मुखात अमृत द्रव संगम तो इसको गुरुदेव कहते थे निगम कल्प तरू मतलब निगम मतलब बोले वेद रूपी कल्प कृत का फल क्या है बोले श्रीमद भागवत बोले भागवत का सार क्या है बोले दशम स्कंध बोले दशम स्कंध का सार क्या है बोले अभी जब कृष्ण वहां पर थे वहां पर चंद्रावली ललिता मिश्रा का सखी थी लेकिन जब वहां से राधारानी चली जाती है वो रासलीला बंद हो गया रासलीला बंद हो गया इसलिए राक्षेश्वरी कौन है बोले श्रीमती राक्षेश्वरी श्रीमती ये राधा रानी राक्षेश्वरी इसलिए भागवत का जो सार है ये ब्रज प्रेम और उसमें गोपी और राधा जी का प्रेम इसलिए वेदांत का मतलब है गुरुदेव कहते थे जैसे भक्ति वेदांत मतलब क्या है इसलिए जब सन्यासियों को जब मंत्र मिलता है कौन सा मंत्र है गोपी मंत्र मिलता है सन्यासी का गोपी मंत्र है इसलिए मतलब भक्ति वेदांत मतलब है जो गोपी भाव से जो लोग श्रृंगार रस से राधा गोविंद को सेवा करते यही भक्ति वेदांत है इसलिए भक्ति वेदांत मतलब श्रृंगार रस के जो उपास है जो इन्होंने ठाकुर जी को स्थापित किया सारे मंदिर के सादे सफेद सफेद ये चीज को देखकर गौरी मठ भी कुछ बोलना शुरू कर दिया बोले ये क्या भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ये क्या सफेद सफेद ठाकुर सब जगह कृष्ण कृष्ण काले ये सफेद ठाकुर क्यों लगता है सफेद ठाकुर का कब पैसा मिलता है इसलिए उन्होंने स्थापना किया है इसलिए कब पैसा है फिर उन्होंने जो अष्टमी लिखा केवल किसी को ऊपर वो अष्टमी लिखते हैं राधा विनोद बिहारी अष्टम देखो आप लोग ये अष्टम को पढ़ सकते हो जिसको गुरुदेव ने इस ग्रंथ में निकाला क्या उन्होंने हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज वो कितने बड़े फिलोसफर थे और वो फिलोसफी के ऊपर में हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का जो व्याख्या है जरूर आप लोग पढ़ना ये सफेद विग्रह क्यों क्या उसको अंदर में तत्व सिद्धांत है अद्भुत है मानो सारे शास्त्र का जो निचोड़ सारे शास्त्र का जो सार है ना समझो ये अष्टों को अंदर में महाराज ने दिया है अद्भुत आप लोग पढ़ कर जरूर देखना उसमें अगर देखोगे हमारे भक्तिवेदक नारायण गोस्वामी महाराज कितने बड़े रसी है वो रसिकता को अद्भुत प्रकाश करवाता है और भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जैसे नारियल होता है ना ऊपर से लगता है कठोर लेकिन उसके अंदर रसी रहते उसके अंदर पानी पानी है इसलिए भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ऊपर लगता है कठोर है लेकिन उनके हृदय जैसे रस से भरा हुआ ये अष्टक देखने से पता चलेगा इसलिए उन्होंने ये जो विग्रह को स्थापित किया उन्होंने अद्भुत व्याख्या किया बोले जो विग्रह है यदि ये श्रृंगार रस के उपास है बोले क्यों तो उदाहरण देते हैं कि जो महापुरुष का रस ये सफेद क्यों इसलिए सफेद महापुरुष का रस है बोले कारण है इसलिए सफेद है वो राधा जी की भाव कृष्ण राधा भाव बोले कब नवमी कृष्ण स्वरूप स्वयं कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए जब उन्होंने देखा सब चीज तो मैंने आस्वादन की लेकिन राधा जी जो प्रेम की महिमा किया और राधा रानी कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करते हैं और मेरे अंदर में जो माधुरी की चीज मैंने आस्वादन नहीं कर पाए इसलिए किसी चीज को लेकर वो समझ गए जरूर ये राधा जी की प्रेम में कोई विश्वत है इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और कविता में लेकर कृष्ण स्वयं आते हैं इसलिए महाप्रभु जो विग्रह किस कौन है ऊपर सफेद मतलब किसकी महिमा ये राधा रानी की महिमा और राधा रानी का महिमा तो राधा जी में है ही है पर कृष्ण जो कि सफेद रूप धारण किए वो भी राधा जी की महिमा इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो तीनों विग्रह एक रस की एक उन्नत उज्ज्वल रस की तीनों प्रतीक है एक रस में ही एक रंग में वो रंग
किस किए हैं बोले श्री राधा रानी के रंग में ये तीनों ही रंग हुए ये ठाकुर जी है अद्भुत रूप में व्याख्या करते हैं इसलिए इनकी हर विषय पर इनकी बड़ी उन्होंने जो मंदिर स्थापन किया देवास लोगों के पर अद्भुत है उसका गेट का नाम क्या रखा उन्होंने नारायणी त्वरण तो व्याख्या करते हैं वो नारायणी त्वरण नाम क्यों रखा उसमें गुरु यदि यहाँ पर गुरु निष्ठा को उन्होंने दिखाया अगर भगवत भक्ति में प्रवेश करना चाहते हो वो गुरु निष्ठा सबसे पहले जरूरत है गुरु निष्ठा सबसे पहले जरूरत है जब तक ये कृष्ण प्रभु बता रहे थे ना इसलिए गुरु जी की चरण से अपराध अगर हो जाए यदि गुरु जी की चरण अपराध करना तो पतन होना पड़ा दूसरा बार जन्म लेना पड़ा इसलिए गुरु भक्ति हमारी भक्ति जगत में प्रवेश करने का ये जो नरहरि थे ये प्रभुपाद के सेवक थे इसलिए प्रवेश करना अगर डर जाते हैं गुरु भक्ति की जरूरत है और उन्होंने इन जो उन्होंने प्रेस को उन्होंने स्थापन किया क्या नाम रखा मतलब वैकुंठ वार्ता वह उन्हें नाम रखते इसका नाम साधारण नहीं वैकुंठ कथा को बोलो तो वृंदावन को कथा जो प्रेस जहाँ पर ग्रंथ वैकुंठ वार्ता वह नाम रखते हैं कीर्तन मंडप और जहाँ पर उन्होंने पायखाना जिस तरह से करते हैं क्या नाम रखे बोले ज्ञान खंड बोले ज्ञान खंड मतलब क्या इन्होंने जो मायावती का जीवन उन्होंने लिखा है उसमें ब्रह्म को उन्होंने विष्णा के साथ उदाहरण दिया बोले जिनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं परिकल्प कुछ नहीं फिर क्या वो विष्णा ही इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को उन्होंने पायखाना के साथ उन्होंने उदाहरण दिया उन्होंने पायखाना के साथ में और जो जो लास्ट में जिस गेट में निकलोगे उसका मदन मोहन द्वारा उन्होंने दिया मतलब अगर गुरु निष्ठा रूपी भक्ति में प्रवेश करेंगे तो निकलेंगे कहाँ पर कहाँ पर निकलोगे बोले यहाँ पर भगवान कृष्ण मनमत के मनमत रूप लेकर के यहाँ रास में प्रकट होते हैं तो भगवत की रास नदी पर रास आपकी प्रवेश होगी इसलिए इनकी जो फिलोसफी का जो जीवन है एक अद्भुत जीवन इनकी अद्भुत जीवन इसलिए आज ये महापुरुष का प्रभाव महामोत्सव है इसलिए ये जैसे अपना गुरु जी की सेवा की वैष्णव की सेवा की ना एक छोटी वैष्णव सेवा कैसे किया उन्होंने बोले एक गौरिया एक समय निकल गई एक गुरु भाई मंदिर में आए एकादशी का दिन था और उन्होंने देखा एकादशी का दिन भैया फल फूल ला करके बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा बोले आज निर्जला व्रत रख लो खर्चा होगा तो उनको निर्जला व्रत रख लो लेकिन उनके गुरु भाई थे इतने में हटा दे गुरु भाई आ गए तो वो महाराज जी खाने में उनको चका जो भोजन चाहिए भैया भोजन चाहिए उसने पता नहीं कहां से आकाश से उसने कुछ उसमें पैसा था कपड़ा बचा हुआ उन्होंने लाए और उसके सामने छट छोड़ कर चले गए इसलिए उन्होंने उसको बोले बोल करके देखा उसमें छह आना की बड़ा कीमत था 36 पैसा हाँ 36 पैसा था उसमें 36 पैसा की बड़ी कीमत थी उन्होंने देखा देखो कृष्ण जो गीता में कहते हैं ना अन्न चिंतन से माम जितना कर जी पा सके ते सान इत्यादि विचारना जगा के बाहर कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं जो अनंत रूप में भजन करते हैं उनको सारी इच्छाओं को सेवा में करता हूँ अभी प्रेम की दंगत हो गई छेना देखा तो जाओ मार्केट से बढ़िया बढ़िया फल फूल और कटहल और बढ़िया बढ़िया सब्जी दूध दही ले आओ और बढ़िया उसके प्रसाद बनाए ठाकुर को भोग लगाए और गुरु भैया को सेवा करवाए तो उनको प्रसन्न हो गए मतलब इनकी वो कहते थे गौरिया जो क्रिया है वो भी उनको बाहर में यहाँ रही है इन्होंने भी वैष्णव सेवा के लिए बहुत कुछ किया हाँ महाराज कह रहे हैं जब उनके पास कोई पैसा भी कुछ है नहीं सेवा के लिए तो उन्होंने 100 रुपया गिरी महाराज ने दिया था 100 रुपया उस समय 100 रुपया की बड़ा कीमत था गिरी महाराज ने 100 रुपया उन्होंने इनको पास में पोस्ट ऑफिस पर भेज दिया इसलिए इनकी कथा में तो महिमा एक समय कोई ब्रह्मचारी ने कुछ गड़बड़ी काम की जिसने प्रभुपाद ने ये बिगड़ दिया जिस समय सब देखभाल करते थे ब्रह्मचारी के मंदिर से निकाल कर ये नीलो ध्यान रखना ये ब्रह्मचारी को मंदिर से निकाल देना इनको आदेश दिया लेकिन उन्होंने ब्रह्मचारी को नहीं निकाला जब नहीं निकाला तब उन्होंने प्रभुपाद को पास में
जब प्रणाम करने के लिए गए बोले वो ब्रह्मचारी को तुमने निकाल दिया, बड़े उद्धत कर रहे थे, सारे नियम कानून से बाहर निकाल दिया। बोले प्रभुपाद ब्रह्मांड प्रकृति कौन भाग्यवादी थी, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता ने ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान वाली व्यक्ति को जीवन में सदगुरु की प्राप्त हो गया। इतने ब्रह्मांड भ्रमण करते करते आप किस जन्म में आए, आपका अगर आपका सिलसिला में से सुधरा तो यही है, तो हाँ ये तो स्कूल है ना जेल खाना है ना, यहाँ तो कोई मुक्त होकर के आते ही नहीं, यहाँ पर तो सबके सब दंड भोगने के लिए आते हैं। अगर आपकी चरण से अगर आप उसको निकाल दिया अरे बाहर जाकर क्या करेगा, फिर उसी माया में फंस जाएगा, उसी माया में घर फंस जाएगा। इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। प्रभुपाद उसको सुन कर तो हृदय प्रेम से गदगद हो गया। कोई चोर एक समय अगर चोरी कर रहा था कुछ सब्जी फब्जी पकड़ा गया तो सारे ब्रह्मचारी मारने के लिए टूट पड़े। इनको पास में गए तो बोले नहीं मारना नहीं, क्यों मार रहे हो, कुछ अभाव होगा तभी तो चोरी कर रहा है। उन्होंने किया और उन्होंने सात सब्जी ले करके उन्होंने और उनको थाली भर के बोले इसको ले जाओ, इनको थाली भर कर ले जाओ। वो तो उनको रोने लग गए, कहा मारने के लिए पिटाई अच्छी चाहिए, लेकिन ये महापुरुष फिर थाली भर के फिर दे रहे। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब इनके हृदय बचपन से ही कृपा कृपा वैष्णव।